चीन से लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच शनिवार और रविवार का दिन ताइवान के लिए काफी टेंशन वाला रहा। यहां शनिवार के बाद रविवार दोपहर को भी भूकंप के झटके लगे। रविवार को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने यहां की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल 24 घंटे के अंदर ये दूसरा भूकंप था। इससे पहले शनिवार को ताइवान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। बता दें कि शनिवार रात को ताइवान के पूर्व तटीय इलाके में 6.6 मैग्नीट्यूड के साथ भूकंप आया था। राहत की बात ये रही कि इस भूकंप से किसी भी तरह के जान माल की क्षति नहीं पहुंची। जानकारी के मुताबिक भूकंप रात करीब 9:30 बजे टैटूंग के उत्तरी तटीय क्षेत्र से करीब 50 किलोमीटर दूर आया था। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की सूचना मिलते ही टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई थी। बता दें कि भूकंप ताइवान के लिए नई चीज नहीं है, यहां अक्सर भूकंप के झटके लगते रहते हैं। दरअसल ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के बीच बसा हुआ है। लगातार दो भूकंप के झटके से लोग टेंशन में हैं। उन्हें सुनामी का भी डर सता रहा है। ताइवान के तट पर आए 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि जापान को सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ताइवान में अलग अलग हिस्सों में 100 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कहीं जमीन के दो टुकड़े होते दिखे तो कहीं पुल गिरे। भूकंप के चलते कुछ घरों को नुकसान जरूर पहुंचा है, तो वहीं रेल सेवा भी बाधित हुई है।